आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ शहर हैदराबाद की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि सारे मुल्क के कोने कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, जहाँ हमारे दलित भाई रहते हैं, हर कोई यह चाह रहा है कि हमारे यहाँ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन कायम की जाए। ये कोई मजलिस का काम सुनकर मजलिस कायम करना नहीं चाहते, बल्कि आज सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि लोग मजलिस की कारकर्दगी को देख रहे हैं। और चूंकि शहर हैदराबाद आपसे कोई दूर फासले पर नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं कि तकरीबन आप लोगों के रिश्तेदार दोस्त साहबाब शहर हैदराबाद के अंदर रहते होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कारकर्दगी को महसूस करते हुए हर कोई ये चाह रहा है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हमारे यहाँ भी कायम की जाए। जैसा कि आपके आज जवान साल खैर नकीब मिल्लत महाराष्ट्र असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट हैं, और वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हैदराबाद की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, सारे मुल्क के दलित भाइयों की नुमाइंदगी करते हैं। जब उनके मसाइल पर बात होती है तो ये वाहिद जवान साल खैर पार्लियामेंट के अंदर आपके मसाइल पर बात की जाती है। जब भी जहां भी आप पर मजालिम ढाए जाते हैं तो यही मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन दौड़ते हुए आपके दरमियान में आती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि साबिका इलेक्शनों में दो इलेक्शन से कर्नाटक, महाराष्ट्र, जैसा कि आज हमारे आंध्र प्रदेश एक स्टेट थी उसके दो रियासतें बन चुके हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन तीन रियासतों के अंदर कोई भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होकर नहीं आया। सारी जमातें बड़े बड़े दावे करते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन कोई भी जमात मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को मुंतखब नहीं करवाई।